अरे यार इतना बनाए था हाँ देखो। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अनक्लथ स्प्रिंट्स पे। तो आज से छठ पूजा का 4 दिन का व्रत स्टार्ट होने वाला है। आज फर्स्ट डे है, जो है नहाए खाए सबसे पहले घर को क्लीन करते हैं। आप देख सकते हो पूरा घर क्लीन हुआ। क्या हो रहा है बिट्टू? पुराने जमाने में घर मिट्टी के हुआ करते थे और गोबर को शुद्ध माना जाता है, इसलिए घर को गोबर से नीपते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम अपने घर के द्वार को गोबर से नीप रहे हैं और शुद्ध बना रहे हैं। तो हमारे यहाँ पूजा छत पे होने वाली है। ये पूरी सीढ़ियां भी धोई है हमने। और छठ पूजा में बहुत ही रिचुअल्स है, बहुत क्लीनलीनेस मेंटेन करना पड़ता है, सब कुछ एकदम शुद्ध होना पड़ता है। यहाँ पे सारे पूजा के बर्तन क्लीन हो रहे हैं। पूजा का हर एक बर्तन क्लीन होता है अच्छे से आज के दिन, जो कि पहला दिन है नहाए खाए, और आज का खाना इसी में बनेगा। तो यहाँ पे छठ पूजा होने वाली है। ये रूम अच्छे से हमने झाड़ू मार दिया है और पानी से धो दिया है, और यहाँ पर सिर्फ पूजा का सब सामान रहेगा। ये सारी हमने सब्जियाँ ली हुई है, बहुत सारी सब्जियाँ है, फ्लावर है और रेड। नहाए खाए का महत्व इसलिए माना जाता है क्योंकि इस दिन बहुत ही सात्विक भोजन बनता है। ये सात्विक भोजन व्रती को 3 दिन तक चलने वाली पूजा के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। वही 36 घंटे की कठिन व्रत के लिए शक्ति भी प्रदान करता है। वैसे तो यह बिहार और पूर्व उत्तर प्रदेश के लोगों का प्रमुख पर्व है, लेकिन समय के साथ दूसरे प्रदेश के लोग भी अब इस महापर्व को मानने लगे हैं। खासकर दिल्ली और NCR में देश के विभिन्न हिस्सों के लोग एक साथ मिलकर यह महापर्व सेलिब्रेट करते हैं। पालक का साग बन रहा है, और ये मूली का भुंजिया बन रहा है, और ये कद्दू दाल बन रहा है। बन गया? नहीं, बनने ही वाला है, सिर्फ छौंक लगाना है। ये छौंक के लिए तैयार है, और वो पकौड़ी के लिए फूल है, अगस्त का फूल, गोभी आलू, और उसमें है का चटनी, और उसमें है कद्दू का सब्जी। भागो, बहुत हॉट है आज, बहुत हॉट है। ये क्या बन रहा है मामी जी? चावल। चावल है? हाँ, अरवा चावल है। अरवा चावल है, ये मार पसार है ना? हाँ, इसको पसार है, इसका पानी अंदर चावल है।
इस दिन व्रती सिर्फ एक ही बार भोजन ग्रहण करती है। पूजा के किसी भी वस्तु को झूठे या गंदे हाथों से नहीं छूती। भोजन ग्रहण करने से पहले सूर्य भगवान को भी भोग लगाते हैं। फिर व्रती, महिलाएं और पुरुष भोजन ग्रहण करते हैं। व्रत के दिन व्रती महिलाएं और पुरुष फर्श पे ही चादर बिछाकर या चटाई बिछाकर सोते हैं। चावल है, ये चना दाल है और ये क्या अगस्त का फूल का बचका है, यहाँ बचका बोलते हैं, और ये कद्दू का है, फिर ये मूली और मिर्ची का भुजिया है, ये चटनी है, ये साग है पालक का, और फिर ये कद्दू का सब्जी है, और आज नहाए खाए है। और बताइए कुछ। आज ये पहला दिन है छठ पूजा का और ये आज शुरू होता है, तो हम लोग इस तरह से पीतल के बर्तन में बनाकर शुद्ध से आज नहाए खाए करते हैं। फिर कल पूजा होगा लोहंडा वाला, जो शाम का पूजा होता है वो, तो कल का वीडियो कर दिखाइए। और घर के सारे परिवार आज यही खाना खाएंगे? आज यही खाना, सब कोई हम लोग यही खाना खाएंगे। ये सेंधा नमक से होता है, शुद्ध नमक से, उसको शुद्ध नमक भी बोला जाता है, शुद्ध नमक से आज बनता है और कल फिर मीठा बनेगा, और मीठा ही हम लोग खाते हैं सारा परिवार। और इसमें कोई प्याज लहसुन कुछ नहीं, नहीं रहता है इसमें, कोई प्याज लहसुन नहीं, हम लोग इसको एकदम शुद्ध से बनाते हैं, ये शुद्ध भोजन होता है। आज हम लोग नमक वाला शुद्ध भोजन से खाएंगे, इसको नहाए खाए करने कहते हैं। ये चार दिन का व्रत है, आज पहला दिन है सूर्य भगवान का, आज पहला दिन का व्रत है। घर के बाकी सदस्य व्रती महिलाओं या पुरुष के भोजन करने के बाद ही खाते हैं। घर के बाकी सदस्य भी वही खाना खाते हैं जो व्रती खाती है। नहाए खाए से छठ पर्व के आखिरी दिन तक मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल मना है। शाम को भी यही खाना खाता है। अगले दिन कैसे सेलिब्रेट करते हैं ये देखिए आप अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।